स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के अंतर्गत सर्वनाम को समझने वाले हैं कंप्लीट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे सर्वनाम के अलग अलग जो प्रकार है उससे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को पता चलेगा आज के इस वीडियो में। और हर एक प्रकार को, हर एक टाइप को एकदम डीपली समझेंगे और ट्रिक के साथ हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ट्रिक बताया जाएगा सर्वनाम के हर एक प्रकार को पहचानने का, कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो शब्द है वो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप क्लास टेंथ के विद्यार्थी हो, चाहे आप क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थी हो, या फिर क्लास टेंथ ट्वेल्थ के अलावा अगर आप किसी एंट्रेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सर्वनाम के बारे में कम्प्लीट जानकारी आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिल जाने वाली है, इसी वजह से बिना स्किप किए कम्प्लीट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पर आप लोग वीडियो को स्किप करें वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को शेयर कर देना है ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट हिंदी ग्रामर फॉर क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ, यानी कि स्पेशली क्लास टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के लिए है। इसके अलावा अगर आप लोग अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, जैसा कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताई। तो समझते हैं हम लोग सर्वनाम को। सर्वनाम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउन और उर्दू में इसको कहा जाता है इसमें ज़मीर। समझिए सर्वनाम किसे कहते हैं, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किया जाए उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ, संज्ञा के अलग अलग प्रकारों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और नहीं तो अगर आप लोग चैनल के लोगों पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो होम पेज खुल जाएगा चैनल का, और फिर वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो हिंदी ग्रामर के नाम से आप लोग को प्लेलिस्ट दिख जाएगा। और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को हिंदी ग्रामर का प्रत्येक वीडियो, जितना भी हिंदी ग्रामर में टॉपिक पढ़ाया जा चुका है वो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया जा चुका है, संज्ञा के अलग अलग प्रकार पढ़ाए जा चुके हैं, तो आप लोग मेक श्योर कि वो वीडियो देख लिए हों, ठीक है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि आप लोग को संज्ञा पढ़ाया गया था कि संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम कहलाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द को कहते हैं जो नाम के बदले में इस्तेमाल है, यानी कि जो संज्ञा के बदले में यूज किया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग सर्वनाम। जैसे कि आप लोगों का कुछ ना कुछ नाम है, तो आप लोगों के नाम लेने के बजाय आप लोगों के नाम के जगह पर मैं कौन सा लफ्ज, कौन सा शब्द यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग, मैं आप सभी लोगों को आप लोग कह रही हूँ ना। आप लोगों का कुछ ना कुछ नाम है लेकिन आप लोगों का नाम लेने के बजाय मैं आप लोग ये शब्द यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग ये जो शब्द है ये नाम के बदले में इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोग शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। उसी तरीके से मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं अपने नाम की जगह अपने आप को क्या कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, यानी कि अपना नाम लेने के बजाय मैं अपने आप को मैं बोल रही हूँ, तो मैं भी एक शब्द है जो कि नाम के बदले में इस्तेमाल हो रहा है। मेरे नाम के बदले में मैं लफ्ज़, मैं शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं शब्द भी क्या कहलाएगा, सर्वनाम। यानी कि जो शब्द नाम के बदले में इस्तेमाल हो उसी को कहते हैं हम लोग सर्वनाम। मैं, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, वे लोग या फिर वह लोग, ठीक है, ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम के बदले में इस्तेमाल, देखिए सर्वनाम में ही लिखा है नाम, यानी कि नाम के बदले में जो शब्द यूज हो उसी को कहते हम लोग क्या, सर्वनाम, ठीक है। अब सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार है, यानी कि 6 भेद आप यूँ कह सकते हैं, 6 टाइप है, ठीक है। सर्वनाम के 6 प्रकार, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं और उसके बाद से पहचानने का ट्रिक भी हम लोग जानेंगे। और क्वेश्चन पूछने का वही तरीका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है, निम्नलिखित में से कौन संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर कोई भी एक शब्द दे देगा और कहेगा कि बताइए ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो यही 3 तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। पहला तरीका क्या, कि निम्नलिखित में से कौन
पुरुषवाचक सर्वनाम है, या फिर कोई भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हालांकि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हिंदी ग्रामर के ये सारे टॉपिक जो पढ़ाए जा रहे हैं ना, ये सारा कंप्लीट हो जाने के बाद हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ठीक है, जिसके साथ साथ मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों का ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को टॉपिक कवर कराया जा रहा है और सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो ये एक तरीका हो गया कि निम्नलिखित करके पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है, या फिर क्वेश्चन उदाहरण से पूछ सकता है जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि कोई भी एक शब्द दे देगा और कहेगा कि बताइए ये शब्द जो है ना सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो यही तीन तरीका होता है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के जगह जो शब्द यूज़ किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं अपने नाम की जगह मैं बोल रही हूँ, अपने नाम की जगह मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग रहते तो हम लोग यूज़ करती मैं हम लोग बोलती कि हम लोग आप सभी लोगों के लिए 24/7 और काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड है आप सभी लोग की तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कराने के लिए। तो हम लोग एक से ज़्यादा लोग रहते हैं तो मैं हम लोग बोलती या फिर हम बोलती, ठीक है। यानी कि जो बोलने वाला इंसान है वो अपने नाम की जगह मैं, हम लोग या फिर हम यूज़ कर सकता है। आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों के नाम के बदले मैं कौन सा लफ्ज, कौन सा शब्द यूज़ कर रही हूँ, आप लोग, या फिर मैं आप कह सकती हूँ, या फिर तुम कह सकती हूँ, या फिर तुम लोग कह सकती हूँ, ठीक है। या फिर जिसके बारे में बात की जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने पिताजी के बारे में बताने लगी कि मेरे पिताजी आज ये किए, वो जो है ना बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। तो जो जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम की जगह जो शब्द यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि वह शब्द यूज़ किया जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, तो वह ये शब्द यूज़ किया जा रहा है ना, तो वह हो गया, या फिर वे हो गए, या फिर आप लोग, मैं, हम लोग, ये जो है ना सुनने वाला, बोलने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है उसके नाम के जगह ये सारे शब्द यूज़ हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसी वजह से पुरुषवाचक सर्वनाम को जो है ना तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके तीन प्रकार है, क्योंकि तीन तरीके से ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो बोलने वाला खुद यूज़ करेगा, एक सुनने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और एक जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा शब्द। जैसे कि जो खुद के लिए, जो बोलने वाला इंसान है वो जो खुद के लिए शब्द यूज़ करता है उसे कहते हैं हम लोग उत्तम पुरुष। यानी कि बोलने वाले इंसान को, बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तम पुरुष। मैं, हम, या फिर हम लोग, मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। मतलब जो बोलने वाला इंसान, मैं अभी बोल रही हूँ तो या तो मैं अपने आप को मैं बोलूँगी, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग रहते तो हम बोलते, या फिर हम लोग, मैं बोलती, ठीक है। तो ये हो गया उत्तम पुरुष। और जो सामने सुन रहा इंसान है यानी कि सुनने वाला इंसान को कहा जाता है मध्यम पुरुष। और उसके लिए या तो मैं तुम यूज़ करूँगी, या फिर तुम लोग यूज़ करूँगी, या फिर आप यूज़ करूँगी, नहीं तो आप लोग यूज़ करूँगी। तो मैं आप सभी लोगों को आप लोग ही बोलती हूँ, यानी कि आप लोग हैं मध्यम पुरुष। अगर आप लोग बोलते और मैं सुनती तो आप लोग कहलाते उत्तम पुरुष, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं, और जब मैं सुनती तो मैं कहलाती मध्यम पुरुष, ठीक है। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगी, उत्तम पुरुष। और मैं अपने नाम की जगह मैं, हम, या फिर हम लोग यूज़ करूँगी। और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग कहलाएंगे मध्यम पुरुष, और आप लोग के नाम की जगह तुम लोग, आप, या फिर आप लोग यूज़ कर सकती हूँ मैं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। और उसी तरीके से जिसके बारे में बात की जाए उसको कहा जाता है अन्य पुरुष। अगर मैं अपने पिताजी के बारे में बात करने लगी, ठीक है, तो मेरे पिताजी क्या कहलाएंगे, अन्य पुरुष कहलाएंगे, और उनके नाम की जगह मैं वह, वे, या फिर अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वह लोग यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सभी जो है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन भागों में बांटा गया, यानी कि तीन प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए उसके नाम की जगह जो शब्द यूज़ किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है, दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम ही में है निश्चय, यानी कि जिस चीज़ पर आप लोगों को पूरा भरोसा है, जिस पर विश्वास है, आप निश्चित है कि वो चीज़ है,
उसके लिए जो शब्द का यूज़ करेंगे यानी कि उस नाम की जगह जो शब्द का यूज़ करेंगे उसी को कहते हैं हम लोग क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब इसमें आदमी को भरोसा होता है, विश्वास होता है कि हाँ ये चीज़ है, जैसे कि यह मार्कर मेरा है, तो इसमें मैं पूरे निश्चय के साथ कह रही हूँ, पूरे विश्वास, पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ कि हाँ ये मेरा है, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, मतलब जिसमें निश्चय पाया जाए, विश्वास भरोसा पाया जाए कि हाँ ये चीज़ है तो है, उसी को क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये मेरा है, मतलब इस मार्कर की जगह यह लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि ये मेरा है और इसमें पूरा निश्चय है, पूरा विश्वास है, तो ये क्या कहलाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि यह जो शब्द मैं बोल रही हूँ इस मार्कर के नाम की जगह पर, जो यह शब्द बोल रही हूँ कि यह मेरा है, तो यह शब्द क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से ये, वह, वे इत्यादि। अगर मैं कहूँ कि वह टेबल टूटा हुआ है, यानी कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ, विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, यानी कि मैं पूरे निश्चय के साथ कह रही हूँ, मैं पूरा निश्चित हूँ, ठीक है, तो वह शब्द क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वहाँ पर मत बैठना, वह टूटा हुआ है, ठीक है, तो वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें निश्चय पाया जा रहा है, ठीक है। तीसरा टाइप है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नाम ही में है अनिश्चय, यानी कि जिसमें आपको भरोसा विश्वास ना हो, जिसमें शक पाया जाए, पता नहीं वो चीज़ होगा कि नहीं होगा, जैसे कि कोई या फिर कुछ, कोई आया है, इसमें भरोसा नहीं है आपको, कोई आया है, मतलब कि आपको पता नहीं है कि कौन आया है, कोई आया है, ठीक है, आप नहीं जानते, यानी कि आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, आपने देखा नहीं है, इसको क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप निश्चित नहीं है कि कौन आया है। उसी तरीके से कुछ किताबें यहाँ रखी हुई हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि आप निश्चित नहीं है कि कितनी किताबें रखी हुई हैं, आपने गिना नहीं है, आप पूरा 100% कंफर्म नहीं है, यानी कि आपको अपने आप पर निश्चय नहीं है, तो कुछ को क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चय नहीं पाया जाए, आप 100% कंफर्म ना हो, और निश्चयवाचक में आप 100% कंफर्म रहते हैं कि हाँ ये चीज़ है, और अनिश्चयवाचक में, नाम ही में अनिश्चय, यानी कि आप 100% कंफर्म नहीं हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को निश्चय और अनिश्चय समझ में आ गया होगा। चौथा टाइप है संबंधवाचक सर्वनाम, नाम ही में संबंधवाचक, यानी कि वह सर्वनाम जो संज्ञा से संबंध को जोड़ता हो, उसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वह शब्द जिसका अर्थ पूरा होने के लिए उसका दूसरा वाला वाक्य होना ज़रूरी है, उसी को कहते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ पूरा होने के लिए उसके साथ वाला यानी कि दूसरा वाला वाक्य होना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ जो परिश्रम करेगा और इतना ही कहकर रुक जाऊँ, तो आप लोग इंतज़ार करेंगे ना कि आगे मैं क्या बोलने वाली हूँ, यानी कि अभी अर्थ पूरा नहीं हुआ है, मैं सिर्फ इतना बोली हूँ कि जो परिश्रम करेगा, अब इसका अर्थ पूरा होने के लिए आगे वाला वाक्य बोलना ज़रूरी है, ज़रूरी है कि मैं इसका आगे वाला साथ वाला वाक्य बोलूँ, तभी इसका पूरा अर्थ पूरा होगा, ठीक है। तो अगर मैं कही कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो अब यहाँ पर अर्थ पूरा हो गया कि अच्छा, जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी कि कामयाब होगा, ठीक है। तो जो एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ पूरा होने के लिए उसका साथ वाला जो है ना वाक्य, सेंटेंस होना ज़रूरी है, यानी कि जो शब्द जो है ना संबंध जोड़ रहा है एक दूसरे वाक्य के साथ, ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से जिसकी लाठी, और इतना ही कहकर रुक जाऊँ, तो फिर उसके आगे वाला सेंटेंस होना ज़रूरी है उसका अर्थ पूरा होने के लिए, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो अब यहाँ पर अर्थ पूरा हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी, ये क्या कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये संबंध जोड़ रहा है, रिलेशन जोड़ रहा है दूसरे वाक्य के साथ, दूसरे सेंटेंस के साथ। उसी तरीके से है जिसने मेरी कलम चुराई है, मैं कहूँ कि जिसने मेरी कलम चुराई है और इतना ही कहकर रुक जाऊँ, तो आप लोग आगे सुनने के लिए रुकेंगे ना, पूरा अर्थ समझने के लिए आप लोग रुकेंगे कि मैं आगे क्या बोल रही हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि जिसने मेरी कलम चुराई है वो मुझे वापस मत करे, मुझे नहीं चाहिए अपना कलम, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ पूरा हो गया, अच्छा, जिसने मैम की कलम चुराई है वो वापस ना करे, मैम को नहीं चाहिए कलम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिसने शब्द है ना, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, मतलब रिलेट कर रहा है, संबंध जाहिर कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, संबंधवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से जो कोई यहाँ पर मौजूद है, हमारे वीडियोस को देख रहा है, जो कोई हमारे चैनल पर नया नया आया हुआ है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे तुरंत, और वीडियो को शेयर करे, लाइक करे फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ समझ में आ गया, अच्छा, जो कोई, ठीक है, तो जो कोई
ये भी क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, पांचवा टाइप यानी कि पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम ही है में प्रश्न, यानी कि जिस सर्वनाम से प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन, कौन आया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्यों, क्यों तुमने उसे थप्पड़ मारा, क्यों तुमने उसे थप्पड़ मारा, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, तो क्यों हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे, तुमने ये कैसे किया, यहाँ पर भी सवाल पूछा जा रहा है, तो कैसे हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहाँ, तुम कहाँ गए थे इतनी देर से, या फिर तुम कहाँ गई थी इतनी देर से, सारे गांव के लोग परेशान हो गए थे, ठीक है, तो कहाँ हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से क्या, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुमने सुबह से क्या किया, तुमने क्या सोचा, तुमने क्या प्लानिंग किया, तुमने क्या पढ़ा, ठीक है, तुमने अपने कैरियर के बारे में क्या सोचा, सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी वजह से प्रश्नवाचक सर्वनाम। आखिरी और छठा टाइप है निजवाचक सर्वनाम। इसके भी नाम में है निज, देख रहे हैं ना, निजवाचक में क्या मिल रहा है आप लोग को, निज, निजता आप लोग सुने होंगे, निजी सुने होंगे, ये मेरी निजी चीज़ है यानी कि पर्सनल चीज़ है, मतलब कि जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो, यानी कि स्वयं अपने आप का बोध हो, स्वयं यानी कि खुद का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं यह काम स्वयं ही कर लूँगी, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि ये काम मैं अपने आप ही कर लूँगी, स्वयं ही कर लूँगी, यानी कि निजता का बोध हो रहा है, खुद का, अपने आप का बोध हो रहा है कि मैं ये काम स्वयं ही कर लूँगी, ठीक है। आप लोग अपना काम स्वयं ही कर लें, या फिर आप लोग अपने आप ही ये काम कर लें, ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि आप लोग अपना काम स्वयं ही कर लें, यानी कि निजता का बोध हो रहा है, मतलब अपने आप का, स्वयं का बोध हो रहा है, तो अपने आप ही, जहाँ पर भी स्वयं देखने को मिल जाए, अपने आप या फिर खुद देखने को मिल जाए, खुद का बोध हो, जिससे अपने आप का बोध हो, उसको बिना सोचे समझे निजवाचक सर्वनाम टिक कर देना है, ठीक है ना। आत्मनिर्भर नहीं बोला जाता है, आत्मनिर्भर हैं हम, अपना काम खुद से करते हैं। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, भारत देश जो है ना आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो हर इंसान को आत्मनिर्भर होना चाहिए, सही बात है, अपना काम खुद से कीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहिए, निर्भर नहीं रहिए, अपने आप यानी कि आत्मनिर्भर रहिए, अपने आप पर निर्भर रहिए, ठीक है। इस दुनिया में किसी और पर निर्भर रहेंगे तो फिर आपका कहीं ठिकाना नहीं रहेगा, इधर उधर भटकते फिरेंगे आप, कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अगर किसी पर विश्वास करना है तो अपने माँ बाप पर कीजिए, इस दुनिया में जो बिना फ़ायदे के आपका साथ देगा ना, वो सिर्फ आपका माँ बाप, उसके अलावा कोई नहीं। अगर आप अपने माँ बाप के अलावा किसी दूसरे पर विश्वास करते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी में धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। बिना स्वार्थ के सिर्फ माँ बाप ही आपसे प्यार कर सकते हैं और कोई नहीं। तो माँ बाप को खुश रखिए, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, लाइफ सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर छह प्रकार हम लोग सर्वनाम के समझ गए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। एक बार क्विक रिविज़न कर लेते हैं और जो ट्रिक है वो लगाकर हम लोग जो है ना ये छह प्रकार को अभी तुरंत हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक यानी कि जो बोलने वाला है, सुनने वाला है और जिसके बारे में बात की जाए, उस नाम के जगह जो शब्द यूज़ किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसी वजह से पुरुषवाचक के तीन प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जो बोलने वाले व्यक्ति के नाम के जगह शब्द यूज़ किया जाए उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि जो सुनने वाला इंसान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। उसके नाम के बदले में जो शब्द यूज़ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम की जगह जो शब्द यूज होगा उसे हम लोग अन्य पुरुष कहेंगे, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें आप 100% कंफर्म है, आपको भरोसा है, आपने अपनी आंखों से देखा हो, जिस पर आप लोगों को पूरा विश्वास है, आप पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कह रहे हो, जिसमें आप निश्चित हो, निश्चय है आपका, उसे कहते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जिसमें आपका निश्चय ना हो, आप 100% कंफर्म ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि वह शब्द जिसका अर्थ पूरा होने के लिए साथ वाला सेंटेंस होना ज़रूरी है, यानी कि वह शब्द जो दूसरे संज्ञा से रिलेशन यानी कि संबंध का बोध कराए, उसे कहते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न यानी कि सवाल किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है और आखिरी निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे निजता का बोध हो, स्वयं का बोध हो, खुद का बोध हो, आत्मनिर्भर भारत,
ठीक है, आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर से आप लोगों को याद आ जाना चाहिए, निज वाचक सर्वनाम, निजता से मतलब कि स्वयं का बोध हो, जिससे अपने आप का बोध हो कि मैं ये खुद से कर लूँगा या फिर खुद से कर लूँगी, ये आप खुद से करो, अपने आप से करो, स्वयं का बोध हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये छः का छः प्रकार समझ में आया होगा। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ये बहुत गलत बात है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या आप लोगों को याद करने की अलग से ज़रूरत पड़ेगी, वीडियो को देखते ही देखते आप लोगों को याद हो गया होगा सर्वनाम का ये पूरा छः का छः प्रकार, याद हुआ कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर समझ में आया और जो कुछ भी समझाया गया है अच्छा लगा है वीडियो, लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके दबा कर शेयर करें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितने भी छोटे बड़े आप लोग के भाई बहन है, रिश्तेदार है, व्हाट्सएप ग्रुप है, चारों तरफ शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल पर नए नए आए हुए हैं तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों से बार बार कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खुशी खुशी लीजिए स्क्रीन शॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत जल्द इसका अगला वीडियो अपलोड होगा, आप लोग बस इंतजार कीजिए। हिंदी ग्रामर, जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही कही हूँ कि जब स्टार्ट हुआ है तो इसका एंड भी ज़रूर होगा, हिंदी ग्रामर के लगभग सभी टॉपिक को कवर करा दिए जाएंगे और उसके बाद से लास्ट में हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और साथ में उर्दू ग्रामर भी चल रहा है, उर्दू ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और बहुत जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो बस आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि भारी संख्या में स्टूडेंट जुड़े और लाइव क्लास करने में मज़ा आए, ठीक है। तो लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये न्यूज़ पहुँच जाए, ये नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है ज्ञापन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ज्ञापन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, हर एक विद्यार्थी को पता चल जाए, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।